उनके साथ जेजेपी के नेता भाई केसी बांगड़ जी, पूर्व विधायक पदम दहिया जी, जेजेपी के पिछली बार के चुनाव के प्रत्याशी रहे भूपेंद्र मलिक जी और इस बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी मंत्री जेपी दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन कौशिक जी भी हमारे बीच में हैं। मैं सभी छायाकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि फ्रेम सेट करके अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी के पास जब प्रश्न पूछने की बारी होगी तो आपको कार्डलेस दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस का शुभारंभ करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेतागण, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज मुझे लगता है कि गोहाना में पहली बार इस प्रकार की एक पत्रकार वार्ता, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, आपका स्वागत। पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो मैं उस दिवंगत नेता को, जो परसों जिनका निधन हुआ, हमारे केंद्र सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, उनको अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज विशेष तौर पर, जैसा हमको मालूम है कि बाय इलेक्शन बड़ौदा का, उसकी तिथि निश्चित हो चुकी है, कुछ बातें उस चुनाव के संबंध में होंगी और कुछ अन्य बातें ये आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उसके हिसाब से इस पत्रकार वार्ता को पूरा करेंगे। पहला विषय उसमें यह है कि हम ये बड़ौदा का चुनाव, हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके तय की है, तो उसकी जानकारी भले ही पहले आपको कल हो गई होगी तो भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। मित्रों, इस प्रदेश में और देश में आजादी के बाद अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही हैं। प्रदेश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे, ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी हैं, बल्कि जब से यहाँ के विधायक दिवंगत हुए, ये सीट खाली हुई, मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहाँ के लोग अब ऐसा ना समझे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें, मैं यहाँ विधायक के नाते काम करूँगा। और उसके बाद लगातार जो यहाँ के लोगों की अपेक्षाएँ थी उसके हिसाब से हर विभाग ने यहाँ पर अपने अपने काम शुरू किए और बड़ी मात्रा में
विकास के काम शुरू हो गए हैं, पूरे हुए हैं, जो चल रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि चुनाव सिर पर आ गया इसलिए आप करा रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि जब उनके विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूँ जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना हमारा फर्ज है, हमने कराया है। और निश्चित रूप से जनता को ये हम बताएंगे भी, ये मैसेज भी देंगे कि यहाँ का विधायक कैसा होना चाहिए, आपको काम कराने वाला चाहिए या निष्क्रिय चाहिए। अगर आपको काम कराने वाला विधायक चाहिए तो 4 साल में आप उसकी पहचान करके ऐसा ही विधायक चुने जो आपके कामों को इस गति से करा सके। और हमने कोई आउट ऑफ वे जा करके बड़े काम करा दिए ऐसा नहीं है, हमने यहाँ जो पहले काम नहीं हो रहे थे उन कामों को ही कराया है। और यहाँ जितना पैसा इन 5 वर्षों में हमने लगाया है उसके अंदर पिछले 4 वर्ष में चूंकि यहाँ का कोई रिस्पॉन्स ऐसा था नहीं, या 5 वर्ष कह लेंगे 6ठा वर्ष है, तो उसकी जो कमी थी वो हमने पूरी करते हुए यहाँ ज़्यादा पैसा ज़रूर लगा होगा। और यहाँ कुल मिला करके अगर 6 साल का मैं हिसाब आपको बताऊँ तो यहाँ लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए हैं। बाकी विधानसभाओं में भी इतने इतने पैसे लगे हैं, कहीं 400 करोड़ कहीं 500 करोड़ कहीं 600 करोड़ कहीं 700 करोड़। अगर मैं आपको 5-7 विधानसभाओं का अलग अलग इलाके में हिसाब बताऊं तो मुझे आज हिसाब उन्होंने भेजा है, लाडवा में 602 करोड़, अटेली में 760 करोड़ नहीं असंध में 760 करोड़, अटेली में 602, लाडवा 515, नारनौंद में 700 करोड़, सफीदों में 699 करोड़। तो इस प्रकार से 400 से 600 650 करोड़ इन ये ग्रामीण क्षेत्र की कंस्टिट्यूएंसी मैंने बताई है सारी, ये सब जगह हमने लगाया है। लेकिन यहाँ अगर कोई कमी रही उसको हमने कुछ पूरा किया, कुछ और आगे पूरा कराएंगे। विकास के काम में यहाँ पर अगर ये लोग करते विकास का काम तो हमको फिर अचानक ये जरूरत नहीं पड़ती। आखिर चाहे उसको कह रहे हैं चुनावी जुमला है, इस चुनावी जुमले को इनको मौका किसी ने दिया? इन्होंने ही दिया ना। आखिर यहाँ की सड़कें, यहाँ बिजली के सारे जितने लोगों के काम थे वो हमने पूरे किए, नहरी जितने काम थे वो हमने पूरे किए, यहाँ के 2-2 कॉलेज हमने खोलने की घोषणा की है, या हमने कॉलेज की बात की है, या हमने हैफेड की राइस में लगाने की बात की है, या हमने IMT की बात की है क्योंकि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। अगर ये सारे काम इस समय वो करा देते हैं, वो तो चीज़ों को घुमाते रहे, बिल्डिंग बना करके और छोड़ दी। भैंसवाल कला की बिल्डिंग जिसमें कॉलेज हमने घोषणा की हो तो पहले से बनी हुई है, तो कॉलेज चलाने में क्या दिक्कत थी उनको? तो कितने ही कामों को अधूरा छोड़ा हुआ उन्होंने इस इलाके में। केवल वो एक ही बात कहते रहे कि ये मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, बड़ौदा और कलोई ये तो 2 आँखें हैं बराबर की। अरे 2 बराबर की आँखें हैं तो एक से ज़्यादा देखना और दूसरे पर चस्पा लगा देना, ये किसने कहा था? कलोई जैसे काम यहाँ भी तो कर लेते। तो इसलिए जब ये सारा विषय आया तो हमने इन कामों की ओर ध्यान दिया है। अब यहाँ चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सड़कें हो, IMT हो, जितने काम शुरू हो गए हैं वो तो पूरे होंगे, लेकिन अपने को पता है कि चुनाव जब तक संपन्न नहीं होता तब तक अब नए काम का कोई टेंडर तो संभव नहीं है, वो उसके तुरंत बाद होंगे। और हम चूँकि हमारा 6 साल का जो रिकॉर्ड है, हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया, कहा ही नहीं उसको, ये मेरी रिकॉर्ड है हमारा। जो हमने यहाँ कहा है उसको पूरा करना ये हमारा काम है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे हमारे सांसद महोदय ने ध्यान कराया है कि सोनीपत गोहाना जींद
ये ग्रीन हाईवे, हाँ ये जो नेशनल हाईवे निकलेगा ये 2500 करोड़ रुपए का, इसका काम शुरू हो चुका है। और एक वो जो अमृतसर वाला वो अलग है, हाँ एक नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है, उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है। हाँ यहाँ से जींद, जींद से आगे नरवाना के पास से होते हुए और सीधा अमृतसर जा करके वो मिलने वाला है। अमृतसर से जम्मू है, उस हाईवे के बनने के बाद जो लोग जम्मू जाते हैं आज, जिनको 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, वो 8 घंटे में जम्मू पहुंचने की स्थिति उनकी बनेगी। वो है नेशनल 152D है, हाँ वो है इस्माइलाबाद से और नारनौल, लेकिन वो यहाँ, हाँ यहाँ इसका बॉर्डर टच करेगा, बॉर्डर टच करेगा। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हैं वो सारे भी चल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा एक हवा दिखाने वाली पार्टी रही है कि जैसे अभी किसानों को के 3 जो बिल बन गए हैं, ये आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, MSP ख़त्म हो जाएगा, आपके फसल को लूट लेंगे। ये लुटियन में रहने वाले लूट के अलावा बात ही नहीं करते, इनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं है। जिस MSP के हटाने की उन्होंने बात की, अभी लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट ये सब उसी MSP पर हो रही है और इनकी सरकारों से अच्छी हो रही है। हमें तो बल्कि एक और मेहनत करनी पड़ रही है कि राजस्थान के बाजरे का व्यापारी या किसान वहाँ से हमारे यहाँ बाजरा ना लेकर के आ सके, उसका कारण वहाँ वो 1300 रुपये में आज भी बिक रहा है। दूसरी लाइन में लगवा लो पीछे, दूसरी लाइन में लगवा लो पीछे को बात, वहाँ 1300 रुपये बाजरा आज भी बिक रहा है, हम 2150 रुपये बाजरा हम खरीद रहे हैं और अपने हरियाणा के किसान को कहा है एक एक दाना बाजरे का हम खरीदेंगे। क्या पंजाब में और राजस्थान में ये खरीद नहीं सकते क्या? जब हम किसान का जो ये घाटा है वो देने के लिए तैयार हैं, तो वो अपने प्रदेश के घाटे को क्यों नहीं देते हैं? और हमको ये पता है कि राजस्थान के किसानों का लगभग 50,000 मीट्रिक टन, नहीं क्विंटल, मीट्रिक टन है क्विंटल है, लेकिन इतना वो स्मगल हो रहा है, आ गया है। शिकायतें मिल रही हैं कि सारा बाजरा नहीं खरीद रहे, हम केवल अपने किसान का खरीदेंगे। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये पोर्टल बनाया है, केवल इसीलिए बनाया कि यहाँ का किसान उसमें रजिस्टर करे। कुछ जगह शिकायत मिल रही है कि वो रजिस्टर नहीं करा सके, कहीं अनजाने में नहीं कराया, गफलत में नहीं कराया, क्या ज़रूरत है? अब उनको भी ध्यान में आ रहा है कि अगर नहीं कराया तो ये 1300 रुपये बिकेगा, कराया तो 2150 में बिकेगा। लेकिन अपने किसान को मौका देंगे कि वो अपनी फर्द ले आए और उस फर्द के हिसाब से जो उसकी गिरदावरी हुई है उसके हिसाब से अगर सिद्ध हो जाता है। हमारे पास भी सैटेलाइट के चित्र सारे हैं, अब हम सैटेलाइट के चित्र भी कराने लग गए हैं कि किस किसान ने क्या फसल बोई है। एक तो ये गिरदावरी होती है, एक हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसका जा करके वेरीफाई करता है और फिर सैटेलाइट है, 3-3 प्रकार से देखा जाता है कि भाई किसान ने क्या बोया हुआ है, जिसका सिद्ध हो जाएगा कि बाजरा उसका खेत का है, उसने बोया, उसका सबका लिया जाएगा, एक एक दाना लिया जाएगा। लेकिन कोई गलती से या लालच से पंजाब की चीज़ को, राजस्थान की चीज़ को हमारे यहाँ के बेचना चाहेगा, हम नहीं खरीदेंगे। हमने मक्का भी शुरू कर दिया है कि मक्का भी हम MSP पर खरीदेंगे। कपास खरीदी जा रही है, अगर ये कपास ना खरीदी जाती तो बाजार में ये 3500 बिकती और हमारा MSP का रेट है 5700 रुपया, तो ये 1500-2000 रुपये का लाभ ये किसान को पहुंच रहा है। मेरा किसानों से आपके माध्यम से निवेदन है कि एक बार अगर उनका कोई जानकार पंजाब में या राजस्थान में हो, ज़रा उन किसानों से फ़ोन करके पूछ तो लें कि आपके यहाँ बाजरे का क्या हाल है, आपके यहाँ सरसों का क्या हाल रहा था पहले जब सरसों बिकी थी, आज कपास का क्या हाल है, मक्के का क्या हाल है, वो आपको बता देंगे कि वहाँ क्या हालत, बुरी हालत है।
हम तो 70 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है हरियाणा की। एक समय ऐसा करेंगे कि 70 के 70 लाख एकड़ का ट्रैकिंग करेंगे कि किसने क्या बोया है, खाली भी अगर है वो भी दर्ज कराएंगे भी मेरी खाली है, उसका भी दुरुपयोग ना हो सके। और एक एक का घर से दाना दाना मंगा करके खरीदने का हमारी योजना है, हमारा सिस्टम है। आज हम टेक्निकल अपने सारे सिस्टम्स को यूज़ करते हुए किसान को बहुत लाभ दे रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान की आय डबल करनी है, तो डबल इन्हीं चीज़ों में से होगी। और एक बड़ा विषय हमने जो निर्णय लिया, हो सकता है हमारे जो आढ़ती भाई हैं वो उस नहीं उनको ये बात रास आ रही होगी, और वो है डायरेक्ट पेमेंट। कि किसान जो डायरेक्ट पेमेंट लेंगे उनको सीधी पेमेंट दी जाएगी। इस बार हमने वो भी ऑप्शन पूछने शुरू की है। 3,20,000 धान के किसान हैं, जिनमें से 1,22,000 ने ये कहा है कि हमें आढ़ती के थ्रू दी जाए, वो आढ़ती के थ्रू देंगे, बाकी सबको डायरेक्ट देंगे। सीधा उसके पास जाने के बाद वो अपने पैसे का अपना उपयोग ठीक से कर सकता है, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, उसका ब्याज बचता है, 22-24% ब्याज उसके ऊपर पड़ता है, वो उसको बचेगा। और अगर उसको मानो पैसा कम पड़ जाए और ऋण लेना भी है, तो हम कोऑपरेटिव बैंक से दिला करके 0% इंटरेस्ट पर उसको ब्याज दिलाएंगे, यानी ऋण दिलाएंगे, 0% इंटरेस्ट पर ऋण दिलाएंगे, सॉफ्ट लोन। लेकिन उसी को जो बाकी जगह से लेन देन छोड़ करके और केवल बैंक से लेगा, ताकि उसकी आमदन बढ़े। इस प्रकार से प्रोक्योरमेंट का जहाँ तक विषय है, MSP प्रोक्योरमेंट पैडी, ये ठीक है कि शुरू में 4-5 दिन ये तकलीफ आई है, क्योंकि सिस्टम्स नए होते हैं तो उसमें कुछ टीथिंग प्रॉब्लम जिनको कहते हैं वो आती हैं, तो आई हैं, लेकिन सब ठीक हो चुका है। सारे सॉफ्टवेयर का जो समस्या थी वो ठीक हो चुकी है, कूपन भी पर्याप्त संख्या में दिए जाने लगे हैं, जो बिना कूपन के बाहर आ गए थे लोग उनको सबका खरीद लिया गया है। आगे सबको फ़ोन करके कि कब वो लेके आने वाला है उसी दिन उसका नंबर लगा के उसको ले लेंगे। 25% कूपन आढ़तियों को दे दिए हैं कि आप, लगता है कोई किसान ऐसा है जिसको टाइम से कूपन नहीं मिला, तो आप उसको कूपन दे सकते हैं, तो ये छूट भी उनको दे दी है। पैडी 15 लाख मीट्रिक टन अभी तक मार्केट में आ चुकी है, 11 लाख मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है, और इस बार मुझे लगता है कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट है पिछले साल से कुछ कम होगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सी प्रोक्योरमेंट बाहर के प्रदेशों से ज़्यादा हुई थी। इस बार मिलर्स को कह दिया गया है कि आपने हमें जो यहाँ का धान है हम जो देंगे उसी का चावल हमको बना के देना है, उधर बाहर से ला ला करके यहाँ फर्जी बिल से नहीं देंगे। थोड़ी नाराजगियाँ इस कारण से भी, हम व्यवस्थाओं सुधार रहे हैं, व्यवस्थाएँ जब व्यवस्थाएँ सुधारेंगे तो भाई जिसके ऊपर जिसका टकराव होगा हित का वो एक बार तो कहेगा, लेकिन हम तो सुधार रहे हैं और डंके की चोट से कह रहे हैं कि सुधारेंगे। अगर पहले किसी ने नहीं सुधारी और बिल्कुल, यानी जिसको कहते हैं कि सेट द इविल्स अंडर द कारपेट, कि बुराइयों को कारपेट के नीचे धकेल दो, हम वो नहीं करेंगे। हर समस्या का समाधान ये मनोहर लाल की सरकार करेगी, हर समस्या का समाधान। समस्याएं बहुत हैं, अनेक हैं, एक एक चीज को हम ठीक कर रहे हैं। हमें एक अवसर पहले मिला, उसकी भूमिका बनाई, इस 5 साल के अवसर में अधिकांश चीज़ें जो लोगों की समस्याएं हैं उनको घर बैठे सेवा मिलनी चाहिए, सर्विस मिलनी चाहिए। उनको कोई समस्या है वो हमारे पास भेजें, किसी को चंडीगढ़ आने की ज़रूरत नहीं हमारे पास। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, उसके घर में जा करके उसकी समस्या का हल करेगा। किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है इनकी ज़मीनों के लिटिगेशन, किसी का तकसीम का है, किसी का इंतकाल का है, किसी का रजिस्ट्री 2 बार एक ही ज़मीन की 2 बार करा ली, भाई भाई में झगड़ा है, पड़ोसियों से झगड़ा है, कई जगह कब्जे हुए हुए हैं, कोर्टों में पड़े हैं। लगभग 2 लाख लिटिगेशन, चाहे वो कोर्ट्स में नीचे हैं चाहे ऊपर हैं और चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं। इसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि झगड़ा करते रहना, मर्डर हो जाते हैं ज़मीनों पर, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका भी हम धीरे धीरे एक ही चीज़ को लेकर के हल निकाल रहे हैं। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी 61,000 मीट्रिक टन
आया है, 53,000-54,000 हमने इसमें से खरीद लिया है, मूंग मेज ये सब हो गया है। पेमेंट की थोड़ी डिले हुई है, जैसे मैंने बताया कि समस्या थी, लेकिन अभी शुरू हो गई है। धान की पेमेंट 393 करोड़ रुपया ये 9 तारीख को रिलीज हो चुकी है, 12 तारीख को ये किसानों के खाते में या आर्थिक खाते में पहुंच जाएगी। बाकी अन्य फसलों की 50 करोड़ की रिलीज हो गई है, 443 करोड़ रुपया ये रिलीज हो चुकी है। इसी प्रकार से लगभग 8.5 लाख फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं वो सब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर ये रजिस्टर किया है। इस बार ऑल टाइम हाई रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी 46 लाख एकड़ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी अभी शेष है, क्योंकि जैसे गन्ना है, गन्ने का रजिस्ट्रेशन अभी लोग नहीं कराते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं, अभी ऐसे खाली ज़मीन पड़ी है उसका नहीं कराते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले सालों में 70 के 70 लाख का, कोई उसकी किसान की ज़रूरत है नहीं है, हमारी ज़रूरत है नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए कहाँ क्या बोया हुआ है, ताकि कोई गफलत ना हो। बैंकों के झगड़े बहुत हो जाते हैं किसानों के, फसल कोई वही है, लिखवा कुछ और दी, और फिर जब कल को कोई नुकसान हो गया, बीमे के क्लेम होते हैं, तो फिर वो झगड़े पड़ते हैं, कहते जी आपका तो क्लेम रुक गया, क्यों? क्योंकि आपने वहाँ कुछ और लिखा रखा है, फसल कोई और है। तो इस प्रकार के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सब उसको हल करेंगे। पहली बार मूंगफली की प्रोक्योरमेंट हम शुरू कर रहे हैं, 3 जिलों में ये होती है, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार, आज तक कभी नहीं की। बाज़ार में इसका रेट 4600 से 5000 रुपये तक है, और MSP जो है इसका 5275 रुपये है। तो ये भले ही थोड़ी होती है, लेकिन हम इसको करेंगे। कपास लोग ज़्यादा बो रहे हैं इस बार, क्योंकि मेरी फसल, मेरा पानी, मेरी विरासत, ये जो योजना हमने शुरू की थी कि जहाँ पानी बहुत नीचे चला गया वहाँ पर लोगों ने धान छोड़ करके इस बार कपास ज़्यादा बोई है। ध्यान में आया है कि हमारी जो जिनिंग मिल्स हैं वो आधी से ज़्यादा बंद पड़ी हैं, क्योंकि आउटडेटेड हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसको अगर वो नई टेक्नोलॉजी में बदलना चाहेंगे तो सरकार उसमें सहायता करेगी, ताकि हम अपनी जिनिंग मिल्स को चलवा सकें। और जिनिंग मिल ज़्यादा चलने लग गई तो कपास भी लोग ज़्यादा बोएंगे, अच्छी कैश क्रॉप है, फसल अच्छी है। तो इस प्रकार से तो मेरा इसमें कुल मिलाकर के कहना यह है कि किसान के हित में जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी जो गठबंधन की सरकार या केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जितने किए हैं, इतने पिछले आदेश आदाज हुआ तब तक नहीं हुए, तब से कभी नहीं हुए, अब वो इतने हो रहे हैं। लेकिन जिनको तकलीफ हो रही है उनके, क्योंकि उनकी पेटी में कुछ है नहीं, खाली हो गई पेटी, तो उनको कोई ना कोई विषय मुद्दा जो है उठा करके, अभी एक ऐसा मुद्दा उठाया उन्होंने, वास्तव में इसकी बहुत किसानों को तो समझ भी नहीं है ये है क्या, लेकिन चूँकि जैसे होता है, लग जाओ भी लग जाओ, लग जाओ भी लग जाओ, तो वो लग गए। 10-15 दिन उन्होंने सब किया है, आज किसान जो है उनको समझ चुका है। अब हमने भी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के नाते से हमने किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, कल आपके यहाँ भी ट्रैक्टर रैली थी, कोई उसमें उत्साह में कमी तो नहीं थी, और वो जवाब था उनके लिए। अब वो कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, और किसान को हर प्रकार का लाभ ये उनको मिलेगा। फिर भी हम किसान की जो जागरूकता है वो और बढ़ाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, सरकार के नाते भी, पार्टियों के नाते भी, दोनों पार्टियां लगेंगी, सब उनको समझाएंगे। अभी हमने प्रगतिशील किसानों का एक सेमिनार किया है, उसके लिए आह्वान किया है कि आप जो बढ़िया फसल उगाते हैं मल्टीप्लाई करिए अपने आप को। अभी लगभग 500 प्रगतिशील किसान हैं, हमने योजना बना करके उनको प्रोत्साहन देने की बात की है कि हर किसान अपने जैसे 10-10 किसान बनाए एक साल में, 500 के साल दो साल में 5,000 होंगे, आगे दो साल के अंदर 5,000 के 50,000 होंगे, मल्टीप्लाई करते करते 50,000 अगर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो 5 लाख तक जाएंगे। तो हर किसान को अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी मार्केटिंग और विविधीकरण के नाते से कौन सी फसल जिसमें ज़्यादा आमदन हो सकती है, इस ओर आगे बढ़ने का बहुत अवसर है, उसको हम कर रहे हैं। कांग्रेस का जहाँ तक हाल है, ये कोई भी ऐसा विषय आता है जो इनके बस का कभी था नहीं, मोदी जी हिम्मत करके उसको जो आगे करना शुरू करते हैं तो इनका स्वभाव है एक भय दिखाना, जैसे भूत प्रेत का भय होता है ना कि भूत आ जाएगा, हुआ आ जाएगा,
370 खत्म करने की बात जब की थी केंद्र सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि अगर 370 खत्म कर देंगे तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। एक साल हो गया, कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में? सब शांति से रह रहे हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा शांति है। अब उनको पता है कि अगर कहीं गड़बड़ की और मोदी जी की आंख पड़ गई तो गड़बड़ करने वालों की शामत है। पाकिस्तान जितनी हरकतें करता था उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना होता था तो कांग्रेस अपने समय में डरती थी, क्या कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हमने कर दिया तो कहीं दुनिया के बाकी देश उसके सहायता करके कहीं परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए, हमारे ऊपर एटम बम ना डाल दें। मोदी जी ने बालाघाट में ठोक दिया। चाइना के भी जो 20-22 लोग हमारे शहीद हुए, बदले में 50 मारे उनके। आज चाइना को भी आंखों में आंखें डाल के देखने वाला कोई आदमी है तो नरेंद्र मोदी है। जो होगा होगा, लेकिन हिम्मत से डट करके अपने देश की रक्षा सुरक्षा करना, इन्होंने हमेशा डर दिखाया, भय दिखाया। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA क्या कहते थे कि अगर ये लागू हो गया तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। किसी एक मुसलमान का बाल बांका हुआ? धरने इन्होंने दिए सब षड्यंत्र के रूप में। बाहरी धन ये इनके पास आता रहा है, चाइना के साथ सांठ गांठ इनकी ध्यान में आ गई, कैसे कैसे MOU उन्होंने उस समय किए सब वो ध्यान में आ रहे हैं। और कई बार चीज़ों को कैसे खराब किया जाता है उसके लिए थोड़ा कोई विषय इनको मिल जाए उसको बवाल खड़ा करते हैं। हाथरस की घटना, बवाल खड़ा कर दिया, निकला क्या? षड्यंत्र। बाहरी विदेशी जगह से षड्यंत्र जारी किए जाते हैं कि इस सरकार को कैसे अनस्टेबल करना है, कैसे वहां कोई ना कोई ऐसा भयंकर काम कर दो। लाइन ऑर्डर में कोई घटना हो जाती है, होती है तो उसका सरकार का काम है, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, दोषी को दंडित करना। लेकिन ये तो घटना हुई नहीं और उसी समय सरकार को भगा दो, सरकार को गिरा दो, सरकार नहीं चलने वाली है, ये गठबंधन टूटने वाला है, एक दिन चलने वाली नहीं है, इनके कहने से होना है क्या? गठबंधन जितना मजबूत पहले था उससे ज़्यादा मजबूत है आज, भूल जाएं ये सब। और ये घिनौनी हरकतें यहाँ भी करने से बाज नहीं आते हैं। 3 दिन पहले हांसी में घटना हो गई, और घटना क्या हुई, एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की और खबर छप गई, 11 लाख लूट लिए, कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या? उसी व्यापारी का षड्यंत्र, करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया और बाद में पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी, बन गया किस्सा कि व्यापारी जल गया मर गया। और व्यापारी मिला कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। जैसे घटना हुई, चाहे वो सुरजे वाला है, चाहे वो हुड्डा है और चाहे शैलजा है, एक से एक बढ़ करके गुंडा राज, जंगल राज, ये राज, वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे वो कि इसका कोई बचाव कैसे करें। सहानुभूति, कोई दुर्घटना हो जाए तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा बोल जाओ कि बाद में वापिस ना ले सको, डूबना चाहिए इन लोगों को। तो मित्रों, कांग्रेस की ये काली करतूतें, झूठ और सच की हमारी लड़ाई, इसके अंदर सत्यता की जीत होगी, इनके झूठ कहीं भी काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो और चाहे बड़ौदा हो, कोई झूठ चलने नहीं देंगे। आज जनता सब समझ रही है, ये लोग जाति पाति की राजनीति उसका हुआ भी बनाते हैं। हम लोगों ने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की है। 5 साल पहले 6 साल पहले एक नारा दिया था मैंने, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और लोगों ने उसको सराहा था। नाउ डेज हैव गॉन, जब पुराने समय में ये चलता था भी हाँ ये जातियों के चौधरियों की बात, चौधर मेरी, चौधर तेरी, चौधर यहाँ की, चौधर वहाँ की, ये तो अपने घर घर में लिए बैठा चौधर। बापू बेटा दोनों हार गए लोकसभा में, जब राज्यसभा की बारी आई तो और कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको
एक सीट इनकी बनती थी क्योंकि इनके 31 विधायक थे, 1/3 से ऊपर हो जाए तो एक सीट मिल जाती है हरियाणा में, पता ही था एक सीट पक्की है। लेकिन क्या हरियाणा में इनके पास और कोई ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं था जिसको राज्यसभा में भेजे? तो इनकी चौधर इनके घर की है, जनता के लिए नहीं है। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं और जनता में जाकर के ये सब करते हैं। एक अच्छा समय आया है जब देश आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत के नाते से बहुत से एक बड़े पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, उसके अलग अलग विषयों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना का एक समय ऐसा आया है जिसके अंदर कुछ सेटबैक भी लगा है चीज़ों को। अब चूंकि वो एक विश्वव्यापी बीमारी है, इसमें से निकल करके और कैसे आगे बढ़ना, रास्ते उसी समय के हिसाब से हमको तय करने पड़ेंगे, हम तय कर रहे हैं। चुनाव भी इस कोरोना के समय का ही है, तो इस बार चुनाव के कार्यक्रम भी अलग प्रकार के होंगे। बड़ी सभाएं करने का तो परमिशन ही नहीं है, छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, दोनों पार्टियों के लोग मिलके जाएंगे। और हम 1.5 लाख लोगों को व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, लगभग 50,000 परिवारों को। इस थोड़े समय का जो हमारा कार्यक्रम है, इसमें जैसे ही नामांकन हो जाएगा, नामांकन से पहले भी उसके बाद भी, हम घर घर जा करके और लोगों को बताएंगे हमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। और आज उनके पास एक अवसर है समझने का और चीज़ों को आगे बढ़ाने का, हरियाणा को आगे जो भविष्य का हरियाणा हमारा है उसको एक उज्ज्वल हरियाणा बनाने का हमारा संकल्प है। जैसा मैंने पहले बताया, पिछली समस्याएं उनको हल करना, आगे के रास्ते बनाना, समय के हिसाब से चलना, नेशनल और इंटरनेशनल ट्यूनिंग के साथ चलना। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, शिक्षा में लोगों को हम आगे लेके जाएंगे। कोई बालक ऐसा नहीं बचेगा जिसको अच्छी शिक्षा ना मिले। अभी पीछे हमने सुपर 100 का एक दो इंस्टीट्यूशन हमारे रेवाड़ी और पंचकुला में चलते हैं। सुपर 100 में उन बालकों को जो गरीब परिवार होते हैं, नहीं पढ़ाई का खर्चा कर सकते, नहीं ट्यूशन रख सकते, ऐसे बालकों को हम भर्ती करते हैं गरीब परिवारों के, उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। 100 में से 23 बच्चे JEE का जो एग्ज़ाम है उसमें पास होकर के IITs में एडमिशन ले रहे हैं, 100 में से 23। किसी इंस्टीट्यूशन का इतना बड़ा रिजल्ट नहीं आया। और बहुत सामान्य परिवार, गरीब परिवार, मजदूर के बच्चे, कोई रक्षा चलाने वाले का, कोई ऑटो चलाने वाले का बेटा, कोई किसान का बेटा, ऐसे ऐसे। उसी दिन हमने कहा कि इसकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 2 की बजाय हमने 4 कर दिए हैं उसको, कि 4 सेंटर होंगे हमारे, पहले 2 थे, 2 और चलाएंगे ताकि और अच्छे बच्चे आगे बढ़ें। संस्कृति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी, वो हम 100 से ऊपर बना रहे हैं। 4,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे बना रहे हैं सीनियर सेकेंडरी, छोटे बच्चों के लिए प्ले वे स्कूल बना रहे हैं। हायर एजुकेशन के बाद उनको योग्यता उनकी और आगे बढ़े, हुनर बढ़े, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ये हमने खोली है, ताकि और इसको ट्रैक करेंगे हम एक एक 3 साल के बाद, क्योंकि हमारे पास डाटा सब आना शुरू हो गया। बच्चे का जन्मदिन, जन्म होते ही हमारा जो मेरा परिवार पहचान जो है, PPP परिवार पहचान पत्र, उसमें ऐड हो जाता है। तो हम 3 साल से लेकर के और 15 साल तक तो स्कूलिंग के लिए, और 15 साल के ऊपर स्किलिंग और उसकी एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन, एक एक व्यक्ति को ट्रैक करेंगे कि कौन कहाँ छूट गया, क्यों रह गया, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम मिलना, चाहे प्राइवेट, चाहे सरकारी, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी को रहने नहीं देंगे। और फिर नौकरियाँ भी, जैसा हमने सिस्टम शुरू किया, योग्यता के आधार पर। आखिर सरकारी नौकरी में जितने अच्छे लोग आएंगे उतना जनता का भला होगा। अगर वहाँ गलत लोग पहुँच के बैठ गए तो 35 साल तक भुगतना पड़ता है, और तमाशे आपने देख ही लिए हैं, कितनी नौकरियाँ किस ढंग से बनी। हमारे कुछ भाई हैं ये PTI बंधु, अब हमने तो कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने उठा के रद्द किया, और एक ही लाइन लिखे कि आज से आप बिल्कुल कोई कर्मचारी नहीं है, आप जैसे थे वैसे हैं। मौका दे दिया कि हाँ एग्ज़ाम दे और दोबारा आ जाओ, कुछ आ गए हैं, लेकिन अब सबके परिवार तो हो गए, परिवारों को पालन पोषण करना, उनका रोजी रोटी चले, उनका चूल्हा जलता रहे, इसके लिए हमने उनको आश्वासन दिया कि कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे कि जिसमें से आपकी रोजी रोटी बनी रहे। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, दबाव डाल करके चीज़ों को मनवाना चाहते हैं। दबाव से शासन कभी नहीं चलता, शासन सुशासन चलता है लोगों की आवश्यकताओं को देखकर, उसमें से रास्ता निकालकर।
दबाव की राजनीति चल गई जितनी चलनी थी। दबाव इस सरकार पर कभी नहीं चलेगा, ना चला है ना चलेगा। हम तो अपने घरवालों का दबाव नहीं मानते, बाहर वाले तो कैसे दबाव डालेंगे हमारे पर। संजय जी हंस रहे हैं। ये जब सरकारी नौकरी मेरिट पर देने की बात आई, मेरी अपनी इसलिए हंस रहा हूं, आप पे तो घर काला दबाव को नहीं मारे। पार्टी वाले भी घर वाले हैं, मेरा तो वो घर नहीं है जैसे बाकियों का है। मेरा तो मेरा सारा सिस्टम है वही अपना है, पूरा प्रदेश मेरा घर है। लेकिन फिर भी मैं और नजदीकी अगर मानूं अपने, तो अपनी जो पार्टी के लोग हैं वो बहुत दबाव डालते थे कि भी अगर हमारे बच्चे वो अगर नौकरी में नहीं बढ़े तो हमारे राज्य का क्या फायदा। मैंने कहा देखो भैया, लगेंगे तुम मेरिट पर, जिसको आप हमारे कहते हो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं कहता हूँ जो नौकरी लग जाए आप उनको हमारे मान लेना अपने, वो आपके अपने हैं। इस प्रदेश का हर बालक, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति या नौजवान साथी वो हमारा अपना है, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इस सिस्टम को हमने, इस इलाके के भी बहुत लोग लगे होंगे, बड़ौदा विधानसभा के भी 700 से ज़्यादा लोग मेरिट पर, चाहे ग्रुप डी के थे, चाहे वो क्लर्क लगे, चाहे वो इंजीनियर्स लगे, चाहे और भर्तियां हुई, 80,000 भर्तियां हमने की हैं केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, 4,000 हमने की हैं HPSC में। हमने क्या की हैं, कमीशन ने की हैं, नौकरी लेने वालों ने ली है, हमने तो कुछ दिया नहीं उनको, उनकी योग्यता थी ले गए। और आज होड़ लगी है पढ़ाई की, उज्ज्वल हरियाणा, उज्ज्वल भविष्य, इसकी नींव रखी जा चुकी है। इसमें हर प्रदेश, प्रदेश का हर भाग, हर वर्ग, शहर हो, गांव हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, एक विषय जरूर भेदभाव का मैं वो बता देता हूँ क्या हम करेंगे। गरीब का हक पहले, अमीर का बाद में, ये भेदभाव हम करेंगे। इसी भेदभाव के कारण से गरीब के लिए हमने 5 नंबर अलग से देने शुरू किए। परिवार में कोई नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर दे दो भाई। शोषक नौकरी में जैसे घर में पीड़ित है, विधवा है, या जिसके फादर की डेथ हो गई, छोटा बच्चा था, फादरलेस करके, उसको भी 5 नंबर दे दिए। तो इन चीजों को बढ़ावा देना ये हमारा एक जिम्मेवारी है सरकार की, कि दलित को, पीड़ित को, पिछड़े को कैसे आगे बढ़ाओ। तो ये हमेशा रहेगा, अंत्योदय की भावना से हम काम करेंगे। और मैं आप लोगों के माध्यम से अभी आह्वान करूंगा कि हरियाणा, बड़ौदा की जनता, उनको अगर लगता है कि हम लोग कुछ ठीक कर रहे हैं, हमारी बातों पर भरोसा करके आगे हम ठीक करेंगे, निश्चित रूप से उनको इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। और जो गठबंधन का कैंडिडेट है कमल के निशान पर, उनको मोर लगा करके कैंडिडेट को जिताना चाहिए। कैंडिडेट बहुत जल्दी, जैसे हमारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस समय से आपस में बैठ करके विचार करके और जल्दी जैसा तय करेंगे वैसे आपको बताएंगे। थोड़ा लंबा हो गया है, फिर भी मुझे लगा कि ये सारी बातें आपके सामने रखनी चाहिए। आपको कोई बात पूछनी है तो बताइए। मुख्यमंत्री जी, बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, कभी भी चुनाव में, कभी भी कोई एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, मुद्दे बहुत होते हैं। यहाँ का विकास, ये मुद्दा है, हमारी पारदर्शी सरकार, ये मुद्दा है, हमारे गठबंधन और कांग्रेस के बीच में तुलना करना, ये मुद्दा है, यहाँ के रोजगार, यहाँ के नौजवानों को रोजगार, ये मुद्दा है। तो ये तो एक मल्टीपल चीज़ होती है, आखिर प्रदेश सरकार कोई एक चीज़ पर थोड़ी काम करती है, प्रदेश सरकार सब चीज़ों पर काम करती है। अच्छा सामाजिक जीवन, उज्ज्वल भविष्य, ये मुद्दे हैं।
सीएम साहब, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया है, उनके जो अभी बिल लेके आए हैं, लेकिन जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके ही सहयोगी थे अकाली दल, उन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ा? और साथ में जो प्रदेश में कुछ लोग भी आपका विरोध कर रहे हैं कि ये जो कानून आए हैं ये किसान हित में नहीं है। देखिए, मैंने बताया कि हर कोई राजनीतिक तौर पर जिन चीज़ों को विश्लेषण करने लगता है तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है। हमने इन प्रदेशों में, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये उत्तर भारत में किसान राजनीति से हुआ खड़ा किया हुआ है। किसान राजनीति कि किसान जिधर हो जाएगा उधर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आज किसान इतना समझदार है कि वो किसान राजनीति के नाते से सारा कुछ उबाल नहीं आता, कभी आता था। आज शिक्षा बहुत बढ़ गई है, हर किसान के परिवार में भी कोई ना कोई एक ऐसा नौजवान पढ़ा लिखा अब उभर आया है जो इन चीज़ों को समझता है। आज हर किसान विश्लेषण करता है कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कभी ऐसा समय था ये नहीं होता था। आज कितने बड़े आंदोलन होने के बाद भी, हरियाणा का ही बताता हूँ, दो बड़े कार्यक्रम हुए किसानों के टोटल मिला करके, चाहे वो प्रदर्शन थे चाहे वो बंद का विषय था, आखिर लोग तो निकलते ही आते ही हैं। अब ये विषय जनता में जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लोगों को समझ में आएगा। इनकी टोटल संख्या मैक्सिमम किसी एक दिन रही है तो 10,500 रही है। सर, जिस तरह से बड़ौदा की नाम अखबारों में आ गया या कहीं प्रदर्शन हो गया, कहीं फोटो आ गए कि किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, हमारा किसान समझदार है, उससे ज़्यादा लोग तो अब हमारे जो ट्रैक्टर रैलियाँ हो रही हैं उसमें ज़्यादा आ रहे हैं, इनके ट्रैक्टरों से ज़्यादा है, इनकी संख्या से ज़्यादा है। लेकिन चूँकि जो सत्ताधारी दल होता है उसको अपना एक संयम रखना पड़ता है ताकि समाज में लोग भिड़ ना जाए, एक संयम होता है, भाई ये कर रहे हैं करने दो। सर, 54 गांव है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, जो उनके ग्राउंड पे हम गए तो उनके हालात बड़े खस्ता हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मैंने बताया कि पहले तो सार्वजनिक काम, इस इलाके की समस्याएं, फिर उसी में से चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आज अगर किसी व्यक्ति की परिवार की आप बात समझते हैं कि हालात खस्ता है तो ये दुष्परिणाम आज का एक दिन का नहीं है, नहीं पिछले 5 साल का है, ये दुष्परिणाम लगातार 20-30 साल का, जो पीढ़ी जब शुरू होती है उसकी चिंता उस समय करनी पड़ती है। आज जो 3 साल का बच्चा है उसकी चिंता हम करना शुरू करेंगे, 5 साल 6 साल के बच्चे की पढ़ाई की चिंता हम करना शुरू करेंगे, इसका रिजल्ट 15 साल बाद निकलेगा, 10 साल बाद निकलेगा कि ये पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होके या स्किलिंग करके या कहीं अच्छी कोई ट्रेनिंग लेकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बेहतर प्लानिंग तो कर रहे हैं ना, यानी उस प्लानिंग में उसके जो हमारे असर दिख रहे हैं, जो लोग अच्छे बैच के निकले थे इस बार हमारे आईएएस के, कुछ सारे नौजवान आईएएस बनते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन तुलना होती है, 40 बच्चे इस बार हरियाणा के एलाइड सर्विसेज में आए, चाहे आईएएस थे, आईआरएस थे, आईएफएस थे, आईपीएस थे, 40 कभी नहीं आए, और संयोग से फर्स्ट भी इसी जिले का आया है, मलिक, क्या नाम, प्रदीप मलिक, ऑल इंडिया फर्स्ट आईएएस में। बल्कि हमको लोग पूछते हैं कि आप वहाँ के नौजवानों को क्या करने लग गए कि आईएएस, क्योंकि एक पैमाना होता है चीज़ों को नापने का। दूसरा, मैंने उन 10वीं 12वीं के जो बच्चे बताए कि हमारे 100 बच्चों में से 23 बच्चे आईआईटीज में जा रहे हैं, इतनी संख्या में किसी इंस्टीट्यूट के कभी बच्चे नहीं गए हैं। हमारे एजुकेशन के, चाहे वो प्राइमरी का है, चाहे वो मिडिल का है, चाहे प्लस टू के हैं, अब इस लेवल पर चीज़ें सुधरी हैं, हायर एजुकेशन पर अभी हम काम कर रहे हैं, इन चीज़ों में टाइम लगता है। चीज़ों का सुधार करना होता है तो कोई ओवरनाइट स्विचिंग नहीं होती है, उसके लिए एक प्रारंभिक एक बेस बनाना पड़ता है। उस बेस बनाने में हमने जो अभी बड़ौदा के लिए जो कुछ कर रहे हैं, इसका बेस बनेगा तो स्वाभाविक है लोगों को ठीक लगेगा, आज भी लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। मुख्यमंत्री सर, मेरा सवाल, मुख्यमंत्री जी, कल आपने जो है गठबंधन की मीटिंग हुई है और दोनों पार्टी के नेता वहाँ बैठे हुए थे, तो आप जो दोनों पार्टी मिलकर जो उम्मीदवार उतारेंगे, तो अध्यक्ष महोदय का जो ये था कि कमल के निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो उम्मीदवार जो है किसी भी पार्टी से हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से होगा, ये तो अब तय करेंगे हम, अभी तो समय है, अभी तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी, सर मेरा ये सवाल, जब हम अनाज मंडियों में जाते हैं तो वहाँ पे एक किसानों की एक जेन्युइन सी समस्या आती है जो आपके ध्यान में मैं दिलाना चाहूँगा कि किसान कहते हैं कि जब हम धान लेकर के आते हैं 17% जो उस पर नमी है वो तय की गई है, लेकिन जब किसान वहाँ से कटवाता है उनके पास स्टॉक के लिए ऐसी जगह नहीं होती, उनको अनाज मंडी लाना होता है,
पहले क्या होता था, जब धान खरीद होती थी उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके खरीद लिया करते, अब वो कहते हैं हमें कई कई दिन तक इसको सुखाना पड़ता और यहीं रहना पड़ता, सर इसके लिए क्या हो रहा है? देखिए बात किसान की भी सत्य है, लेकिन बात आगे अगर हम देखें तो पहले जैसे हमने ही आकर के छूट दी थी 22% की, एक रास्ता बना करके कि भाई अगर 5% की छूट है तो उसका पैसा काट लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो पानी है, नमी तो पानी होती है ना, कि उसका वजन बढ़ा हुआ है, उसका काट लो और पैसा वो कटवा भी देता था। बाद में फिर कटे हुए पैसे को लेकर के विधानसभा में ही उठता था, इतने इतने पैसे कट रहे हैं, ये स्कैंडल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में शिकायतें आई कि मिलों में भी, मिलर्स ने कहा कि इस मुआशर का हम नहीं लेंगे क्योंकि वो काला हो जाता है, सड़ जाता है। उधर FCI की शिकायतें आई तो 19% से ऊपर अगर उसको इकट्ठा रख लिया और वो ठीक से मिलर्स ने नहीं सुखाया और उसमें एक महीना पड़ा रहा तो वो काला हो जाएगा, धान खराब हो जाएगा, नेशनल लॉस होगा। उसमें से इस बार तय किया कि स्टैंडर्ड मॉइस्चर तो है 17%, लेकिन फिर भी किसान को कहा कि अगर कहीं नापते समय 2% ऊपर तक भी निकल आती है तो उस 2% का लॉस जो है वो किसान से लिया जाएगा इन शेप ऑफ गुड्स, नॉट इन शेप ऑफ कैश। के 100 यानी 19 है तो 102 किलो तोल करके 100 किलो का पैसा दे दो, ताकि जब वो सूखेगा तो 2 किलो अपने आप कम हो जाएगा। वो मंडी में सूखे, आड़ती सुखाए, मिलर सुखाए, सूखना तो पड़ेगा। मिलर शेलर से पहले 17% करेगा तो शेलिंग होगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। तो अब 19 तक किया है, 19 के ऊपर वो ना लाए, और लाए तो सुखा के लाए, क्योंकि आज अभी तक किसी ने चेक नहीं किया था, अब जब चेक किया है तो उसको सुखाना तो पड़ेगा। हाँ, आगे हम मंडियों में ड्रायर्स लाने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि ड्रायर्स आ जाएं, तो फिर मंडी में आने के बाद भी गेट के ऊपर एक एरिया तय कर दिया, उसमें वो जाए अपना ड्रायर्स में ट्रॉली डाले और उसका मीटर लगे होते हैं उसमें, जैसे ही वो ड्रायर में उस रेंज में आ जाएगा उसको उठाएंगे, ट्रॉली में ला के भेज देंगे। ये व्यवस्था हम अगले साल कर पाएंगे, अभी क्योंकि उसमें समय लगता है। सर नमस्कार, मैं प्रभु सर, मेरा ये सवाल था, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का जिक्र किया, INLD का एक बार भी जिक्र नहीं किया, मतलब INLD यहाँ पर कहीं नहीं है। अब आपको पता होगा है कि नहीं है मुख्यमंत्री जी, हम तो पिछले जो परिणाम होते हैं वो देखते हैं। आज अगर कुछ हो गई तो अगली बार फिर इसकी भी चर्चा शुरू कर देंगे। सर एक सवाल ये है कि जैसे किसानों को लेकर आपने कहा कि जो बाहर के राज्यों से माल आ रहा है उसमें कंफ्यूजन ये है कि MSP पे नहीं खरीदेंगे या फिर उनका जो बाकी नॉर्मल प्रोसेस के तहत बाहर जो मंडियों से खरीद हो सकती है कि वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरा कानून बिल आए हैं, जो नियम आए हैं उसके मुताबिक तो कहीं का भी माल कहीं बिक सकता है, कहीं का बिक सकता है कहीं।